फ्रेंड्स, केम छो? मजा में छो? मजे में ही रहने चाहिए। आप लोग सब ठीक तो है ना? मुझे फिक्र होती है इसलिए मैं पूछती रहती हूँ। फ्रेंड्स, पर्सनल रीडिंग कराएं, बुकिंग कराएं, बहुत लोगों ने करवा ली है और अपना मन हल्का भी कर लिया है। दिल दिमाग उनका सब हल्का हो गया है, अपनी समस्याओं का समाधान उन्होंने करवा लिया है। लोगों ने, आप लोगों ने, मेरे व्यूअर्स ने बहुत बहुत शुक्रिया पर्सनल रीडिंग के लिए। और लोग टैरो कार्ड रीडिंग के बेसिक कोर्स के लिए भी आगे आ रहे हैं। वो अपना भूत, भविष्य, वर्तमान सब जानना चाह रहे हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और वो कोर्स भी कर रहे हैं। और पर्सनल रीडिंग की बुकिंग करवाइए, बहुत कम चार्जेस हैं मेरे, ठीक है? मेरे वीडियोस पुराने भी देखा कीजिए और मेरे वीडियोस स्किप मत किया कीजिए, कोई पॉइंट रह जाएगा आप लोगों का। वरना लाइक, सब्सक्राइब, ऑल बटन, बेल बटन को दबा दीजिए। जो लोग नए आए हैं शुक्रिया, और जिन लोगों ने कर रखा है उनको भी शुक्रिया, ठीक है? तो आज की क्या रीडिंग है? आज मैं क्या, किस चीज के लिए वीडियो बना रही हूँ? आज मैं रीडिंग करूंगी कि आखिर वो क्यों चुप हैं, वो मतलब आपके पार्टनर, वो क्यों चुप हैं और कब तोड़ेंगे अपनी चुप्पी को, ठीक है? आज हम ये जानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? लाइक, सब्सक्राइब, ऑल बटन, बेल बटन को दबा दीजिए जिन्होंने नहीं दबाया है, ठीक है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, आज जो वीडियो है वो है कि वो आखिर चुप क्यों है, वो चुप क्यों है, वो बात क्यों नहीं करते। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्यों है, ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए देखते हैं और जानते हैं इसके पीछे की वजह। तो चलिए दोस्तों, पहले ज़ेन टैरो कार्ड से निकालेंगे इसके पीछे की वजह। तो सबसे पहली बात तो ये है फ्रेंड्स, जो आया है कार्ड वो है अबेंडेंस का, ठीक है? इनको करियर बनाना, इनको अपने काम से बहुत लगाव है। करियर बनाना है, इनको अपने काम से बहुत लगाव है, ये काम के प्रति बहुत वफादार हैं, ये दिन रात काम करके बहुत सा पैसा कमाना चाहते हैं, ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, इसीलिए दिन रात गधों की तरह बस काम 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 और काम की तरफ ध्यान देते हैं, आप लोगों की तरफ नहीं देते, बात भी नहीं करते इसलिए आपसे, क्योंकि ये काम के प्रति बहुत वफादार हैं, ये अमीर आदमी बनना चाहते हैं, इनको जुनून सवार है कुछ कर गुजरने का, कुछ हासिल करने का, कुछ मुकाम हासिल करना है इन्हें, इसके लिए हमेशा ही इनका दिमाग काम को लेकर बहुत ही जोश में रहता है। तो अभी तो इन्हें अबेंडेंस चाहिए लाइफ में, जिसके लिए ये काम 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 हमेशा काम ही करते रहना चाहते हैं। मतलब करियर वाइज ही वांट्स टू डू समथिंग स्पेशल टू मेक हिम वेरी स्टेबल इन लाइफ, दैट इज फंडामेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन लाइफ। ठीक है, अभी इसीलिए ये बात नहीं करना चाहते आपसे, क्योंकि ये अभी अपने करियर को ऊंचे मुकाम तक ले जाना चाहते हैं, अपने काम धाम को, काम धंधे को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अमीर आदमी बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? अब जो कार्ड आया वो कौन सा आया देखते हैं। माइंड, देखिए कैसे माइंड में क्या क्या चल रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। तो इस कार्ड का मतलब है कि इनके दिमाग में कुछ चल रहा है, जैसे इनके दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा है, जैसे पजल्ड, कंफ्यूज्ड हैं ये बहुत, इनको दिमाग में बॉम्ब ब्लास्ट भी हो रहा है, देखो कैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, दिमाग फट सा रहा है इनका। तो जैसे ये सोच रहे हैं कि ये आपके पास, यानी मेरे व्यूअर्स के पास वापस आए या फिर थर्ड पार्टी के पास ही रह जाए, फिर चाहे वो चीटिंग ही क्यों ना कर रही हो, वो चाहे वो आपके पास भी नहीं आ पा रहे, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अगर वो अब आपके पास आए और आप उन्हें रिजेक्ट कर दें, उनका प्यार रिजेक्ट कर दें, बेइज्जती हो जाएगी, माफी भी मांगना चाह रहे हैं, नहीं भी मांगना चाह रहे हैं, तो ये इनका दिमाग ना फट रहा है। माफी मांग के तो भाई ये अपनी ईगो को ठेस पहुंचा देंगे, तो ये माफी मांगना तो चाह रहे हैं, लेकिन ये चाह रहे हैं कि आप मांग लो,
तो इनका दिमाग फट रहा है, मांगे माफी ना मांगे, थर्ड पार्टी में रहे आपके साथ रहे तो दिमाग फटे जा रहा है ये सोच सोच कर, और वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं इस वजह से, ठीक है, चुप हो गए हैं। ठीक है गाइस, अब देख लेते हैं और कार्ड। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आया है फ्रेंड्स, इन्हें ये थर्ड पार्टी कह रही है कि हम ही सब कुछ हैं अपने आप में, अपने आप में हम ही सब कुछ हैं, आप मेरे पास लाइफ कनेक्शन हो, हम तो पिछले जन्म के प्रेमी प्रेमिका हैं, हमारा तो साथ पिछले जन्म से है, हम तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो वो थर्ड पार्टी ऐसा कह कर उनका दिमाग खराब कर जा रही है, इस वजह से वो कंफ्यूज है, उनका दिमाग घूम रहा है, कंफ्यूज है, पजल है, और आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं आपके साथ। ओके गाइज, अब देखते हैं और कार्ड, और कौन सा कार्ड आया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स पर्सनल रीडिंग करवाइए, आपका भी दिमाग ऐसा ही फट रहा होगा, हल्का महसूस करोगे पर्सनल रीडिंग करवा के, कोर्स भी कर सकते हो, अपने आप भी जान सकते हो। स्लोइंग डाउन, ओके, तो स्लोइंग डाउन का कार्ड भी निकला है शफलिंग में, तो स्लोइंग डाउन का मतलब ही है स्लो जाना, तो आपके पर्सन को जो अभी काफी कंफ्यूज्ड हैं, पजल्ड हैं, उनका दिमाग भी फट रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत धीरे धीरे वो काम कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे आउटपुट आ रहा है उनसे, बहुत धीरे वो डिसीजन ले रहे हैं, और जिस वजह से वो चुप हैं। मतलब होता है ना कि लोग दिलो दिमाग में सोचते रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, करें ना करें, कन्फ्यूज रहते हैं, पजल्ड रहते हैं, स्लो स्लो रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो वही चल रहा है उनके साथ, इसलिए वो चुप हैं, आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। तो फ्रेंड्स वो स्लोली स्लोली ही आपकी तरफ बढ़ेंगे और अपना समय लेकर ही बात करेंगे आप लोगों से। और देख लेते हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके, आप लोगों के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते थे तो वो भी सोचते रहते हैं, अपनी गलतियों को भी सोचते रहते हैं, और भी पिछली बातों को सोचते रहते हैं, सोचना चलता रहता है पिछली बातों को, क्लिंगिंग टू द पास्ट का आया है ना कार्ड, और उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अच्छे महसूस नहीं करते हैं, तो वो पास्ट की एनर्जी को सोचते रहते हैं, उसी एनर्जी में चले जाते हैं, इसलिए भी वो चुप हैं, आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। अब फ्रेंड्स अपन लोग देखते हैं कि कब तक वो चुप रहेंगे, चलिए देखते हैं। नॉर्मल टैरो कार्ड्स से देखते हैं, द एम्प्रेस का कार्ड आया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहूंगी, गला खराब है ना इसलिए, थोड़ा वेट कर लीजिए। द एम्प्रेस का कार्ड आया है, देखिए फ्रेंड्स वो आपके प्यार को याद कर रहे हैं कि आप इन्हें कितना प्यार करते थे, कितना केयर करते थे, आपका लविंग केयरिंग नेचर इन्हें याद आ रहा है, वो सब पिछली बातें आपकी याद आ रही हैं, आप कैसे इन्हें बच्चे की तरह, बच्चा होता है ना जिसको माँ बहुत ख्याल रखती है, कुछ हो ना जाए, खाना खा लिया कि नहीं खाया, टाइम से सो जाए, टाइम से खा ले, टाइम से जो करना है कर ले, देखभाल करना माँ की तरह, तो ये एम्प्रेस की एनर्जी वही होती है, और वो यही लविंग केयरिंग नेचर आपका याद कर रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, आपको याद आ रही है उनको आपकी, वो सब पिछली बातें आपकी याद कर रहे हैं, तो वो कोई कॉल मैसेज भी कर सकते हैं आपको फ्रेंड्स, आप मत करिएगा कोई एफर्ट फ्रेंड्स, ठीक है, वो अपनी चुप्पी तोड़ देंगे, ठीक है, वो कॉल मैसेज करने ही वाले हैं आपको, वो अपनी चुप्पी तोड़ने ही वाले हैं। देखिए टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, इसका क्या मतलब है, तो सोलमेट कार्ड है, वो आपको अपना सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, रूह से रिश्ता है आप लोगों का, रूह से, आत्मा का आत्मा से मिलन, आप लोग उनकी आत्मा के लाइफ पार्टनर हो, तो वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है,
वाव, पेज ऑफ स्वोर्ड्स। देखिए सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं आपको, आपका डीपी देखते रहते हैं, आपकी खूबसूरती को निहारते रहते हैं, घंटों आपकी तस्वीर को देखते रहते हैं डीपी में, आप कितनी देर तक ऑनलाइन रहते हैं ये भी देखते रहते हैं। तो वो तड़प रहे हैं आप लोगों के लिए, वो तड़प ना मिलने की तड़प, बात ना करने की तड़प, अब वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, क्योंकि जब खूब देर तक बात नहीं होती ना किसी से तो तड़प आ ही जाती है बात करने के लिए, तो वो चुप्पी तोड़ेंगे। इस कार्ड से पता चल रहा है वो स्पाई कर रहे हैं आपको फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पे पूछताछ भी कर रहे हैं लोगों से आपके बारे में, ठीक है, चुप्पी तो तोड़ेंगे। पॉजिटिव रहिए फ्रेंड्स, चुप्पी तोड़ने वाले हैं। फोर ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आप जो उन्हें प्यार ऑफर करते थे ना और वो आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो वो पास्ट एनर्जी में यही सोचते रहते हैं, तो वो अब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, वो आएंगे आपसे बात करने के लिए। मतलब आप पास्ट एनर्जी में उन्हें अपना प्यार ऑफर करते थे ना, वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो वो ये सब बातें सोच रहे हैं। अब वो आपको प्यार ऑफर करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं बस थोड़ा सा कि आप रिजेक्ट ना कर दें, बाकी तो वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, आपको प्यार ऑफर तो करेंगे ही करेंगे, तो वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। ओके गाइस, देखिए द मैजिशियन का कार्ड है, वो आपको और आपके प्यार को मैनिफेस्ट भी करेंगे, कर भी रहे होंगे, और तब वो अपनी चुप्पी तोड़ देंगे। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मांग रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं, यूनिवर्स एंजल्स डिवाइन गॉड से मांग रहे हैं आपको, वाओ दिन रात जैसे आप मांगा करते हैं, अब ये प्रोसेस उनका भी शुरू हो गया है, वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे गाइस, आपके पास आएंगे, बातें करेंगे आपसे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में नहीं रहेंगे। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है और सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, दोनों कार्ड एक साथ गिरे थे फ्रेंड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स और चीटिंग, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स मिलने वाली है थर्ड पार्टी से, तो अब उनको आपकी याद और ज्यादा आएगी, जब चीटिंग मिलेगी जिसके लिए आपको छोड़ा और उसने चीटिंग कर दी, उसने किसी और के लिए उनको छोड़ दिया, तो अब आप याद आएंगे, सच्चा प्यार याद आएगा और वो आपसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे फ्रेंड्स, वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं कि आपसे मिलें, बात करें, आपको जब वो प्यार ऑफर करें तो आप रिजेक्ट ना करें, रिजेक्शन ना दें उन्हें, तो वो ये सब सोच रहे हैं और वो आपके पास मन्नतें मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, सोते सोते भी सोच रहे हैं आपके बारे में, तो ये सब चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ठीक है, वो चुप्पी तोड़ेंगे और तोड़ना चाहते हैं। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं या देख लेते हैं कब तक वो चुप्पी तोड़ेंगे, ठीक है, गाइडेंस भी देख लेते हैं और कब तक चुप्पी तोड़ेंगे एंजल आंसर कार्ड से। फ्रेंड्स पर्सनल रीडिंग करवाइए, बार बार बोल रही हूँ मैं, चार्जेस कम हैं, आपको अच्छा महसूस होगा, हल्का महसूस होगा। ओ वाओ, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में वो चुप्पी तोड़ने वाले हैं फ्रेंड्स, खुश हो जाइए, ठीक है, देखते हैं और कौन से कार्ड्स आते हैं और कौन सी गाइडेंस आती है, गॉड गाइडेंस। ओ वाओ, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो अभी आपकी हालत है बात ना कर रहे हैं, वो कर ही नहीं रहे हैं बात, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, कहीं दूर रहते हैं, ट्रैवलिंग करके आ सकते हैं आपके पास चुप्पी तोड़ने, मिलने, आपसे बात कर सकते हैं, आपको प्यार ऑफर कर सकते हैं, जो आप ऑफर करते थे अब वो ऑफर करेंगे, बस हल्का सा उन्हें रिजेक्शन का है, वो तो सब सही हो जाएगा, आप रिजेक्ट करेंगे ही नहीं तो प्यार तो होगा ही, प्यार तो है ही आप लोगों को उनसे, आप तो रिजेक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि आप सच्चा प्यार करते हैं, बस उन्हें थोड़ा सा ये है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, इसीलिए थोड़ी सी देर हो रही है, तो बस यही बातें हैं, इम्प्रूव होगी सिचुएशन, आपके प्यार को तो याद कर ही रहे हैं वो, इसमें क्या बात है। लास्ट कार्ड और देख लेते हैं। ओ वाओ, रिमेन पॉजिटिव,
आपको पॉजिटिव रहना, ये तो मैं भी बोलती रहती हूँ, पॉजिटिव रहिए पॉजिटिव रहिए पॉजिटिव रहिए। तो पॉजिटिव तो फ्रेंड्स रहना ही पड़ेगा ना, ये सब चाहते हैं। तो अच्छा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए। मैनिफेस्ट करिए, प्रेयर्स करिए, एफर्मेशंस करिए, जिससे कि और जल्दी आए आपके पार्टनर और जल्दी आपको आपसे चुप्पी तोड़ें, बातें करें। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो हैं वो ऐसे ना रहें, अब वो बातें ही बातें करें, खूब सारी बातें करें आपसे। चाहे उन्हें थर्ड पार्टी ने चीटिंग भी कर दी है, उनका दिल भी टूट गया है, प्यार भी ऑफर आपका नहीं, जो आप करते थे उन्हें ऑफर वो भी नहीं मानते थे, सब चीज़ें अब सही हो जाएंगी, लाइन पे आएंगी और सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की रीडिंग, छोटी सी खूबसूरत सी। अब मैं छोटी छोटी रीडिंग ही बनाती हूँ फ्रेंड्स, गला खराब है ना मेरा, तो प्रे करिएगा मेरा गला ठीक हो जाए। ठीक है, पर्सनल रीडिंग करवाइए, बहुत मन हल्का होगा, दिल दिमाग हल्का हो जाएगा। बुकिंग करवाइए, बुकिंग ठीक है, और कमेंट्स में मत लिखा कीजिए पर्सनल रीडिंग के लिए, आप व्हाट्सएप मैसेज किया कीजिए मुझे। ठीक है, जिनको टैरो कार्ड रीडिंग बेसिक कोर्स करना है वो भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, कोई बात नहीं, करने से आपको फ़ायदा भी तो बहुत होगा, आप उससे अपना करियर भी बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मेरे वीडियोस देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए, और जो लोग नए हैं कृपया करके लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन को दबा दीजिए, और जिन्होंने कर दिया है उनको तो बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग नए आए हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। पर्सनल रीडिंग करवाइए, जब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।